राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत इन दिनों 25 अगस्त से लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत चंबा में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग चंबा डॉक्टर हरित पुरी ने बताया कि नेत्रदान की इस पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चंबा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को पंफलेट बांट इस बारे जागरूक कर रहे हैं और जिला के सभी 7 स्वास्थ्य खंडों में भी लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि नेत्रदान की सुविधा अभी तक धर्मशाला स्थित अस्पताल में ही उपलब्ध है, परंतु अगले कुछ सालों में यह सुविधा चंबा मेडिकल कॉलेज में भी शुरू हो सकती है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चंबा द्वारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर 2020 के बीच मनाया जा रहा है और इस मतलब पखवाड़े का जो मेन उद्देश्य है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना। तो इस वर्ष भी जो है हमने इसको ऑनलाइन के माध्यम से सभी अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर को जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करवाया जाए और मतलब जो है अंधेपन से जो है हमारे प्रदेश और देश के जो लोग हैं उनको इससे बचाव हो सके। मैं आपके द्वारा ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में प्रत्येक साल जो है लगभग 20,000 लोग जो है अंधेपन का शिकार होते हैं और अभी तक हमारे भारतवर्ष में लगभग 1,00,000 जो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और इसके लिए जो है आप अभी यहाँ पर जो है जो नेत्र बैंक है वो अभी जो सबसे नज़दीकी नेत्र बैंक है वो धर्मशाला स्थित अस्पताल में है और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में ये सुविधा हमारे मेडिकल कॉलेज चंबा में भी हो जाए। तो इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग नेत्रहीन हैं उनको जो है अंधेपन से जो है छुटकारा मिल सके और इस जो मतलब ये पखवाड़ा है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी जैसे मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी चढ़ के भाग ले रहे हैं और वो भी अपनी जो है आंखें जो हैं वो मरणोपरांत जो है ये लोगों को डोनेट करके जाएंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप भी जो है इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आई डोनेशन के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें ताकि जो है ये अंधेपन के जो लोग शिकार हैं वो इससे निजात पा सकें। सभी जिला वासियों से ये अपील रहेगी कि आप परिवार के सभी सदस्य एक प्रतिज्ञा लें कि मरणोपरांत जो है आप अपनी नेत्र जो है वो दान करके जाइए जिससे कि जो भी मतलब अंधा व्यक्ति है या जो इससे ग्रस्त है वो इस दुनिया को जो है जो इसकी सुंदरता है उसको निहार सके और अपने जीवन में जो है आगे बढ़ सके। और इसमें अगर कोई संबंधी भी कोई किसी के व्यक्ति कोई अगर मतलब मरणोपरांत जो है उसके सगे संबंधी भी जो है इस नेत्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि अगर उस व्यक्ति ने नेत्र दान के लिए विरोध ना किया हो। चंबा हलचल के आज के संक में इतना ही। चंबा जिला की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।